मित्रों नमस्कार, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न समय समय पर कानूनी विषयों से संबंधित छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। देखिए, आज मैं मित्रों आपके सामने स्टैम्प पेपर या स्टैम्प ड्यूटी के आधार पर कोई भी, जब आप कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान आदि क्रय करते हैं तो उसके लिए आपको स्टैम्प पेपर पर सेल डीड लिखवानी होती है, जो कि रजिस्ट्रार किया होती है। इन स्टैम्प पेपर्स के लिए क्या व्यवस्था कानूनी है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के धारा 54 में ये व्यवस्था है कि जो स्टैम्प पेपर आपके द्वारा लिए गए हैं किसी कारण से, उस संपत्ति को जो आप क्रय करना चाहते हैं उसके लिए स्टैम्प पेपर लिए हैं, मान लीजिए वो अनुबंध जो भी आपने एग्रीमेंट किया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, सेलर के द्वारा या बायर के द्वारा पैसे की कमी आप पे पड़ गई, किसी कारण से आप उसको संपन्न नहीं करवा पा रहे हैं, सेल डीड नहीं बनवा पा रहे हैं, और आपने स्टैम्प पेपर कई हजार रुपये या लाख रुपये की ले लिए हैं, तो उसके लिए व्यवस्था है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 की धारा 54 में 6 माह की अवधि दी गई है। जिला अधिकारी या कलेक्ट्रेट के यहाँ पर आप जाकर उन स्टैम्प पेपर को जमा कर सकते हैं। 10% राशि स्टैम्प पेपर जितने के आपने खरीदे हैं उसको काट कर डिडक्ट करके आपको शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। और दूसरी व्यवस्था ये भी है कि अगर मान लीजिए आप जमा नहीं कर पाए और 6 महीना आपके व्यतीत हो गए तो आप अपने पास उस स्टैम्प पेपर को रख सकते हैं, वो किसी भी अन्य कार्य में आ सकते हैं। स्टैम्प का जो ड्यूटी है वो सरकार को जाती है, लेकिन उसकी अवधि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के सेक्शन 54 में 6 माह निर्धारित है। आम धारणा यह है कि 6 माह व्यतीत हो गए तो वो स्टैम्प पेपर बेकार हो गए, ऐसा नहीं है, वो आपके किसी भी कार्य में आ सकते हैं। और छोटे मोटे स्टैम्प पेपर जैसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये जिन पे ये एफिडेविट वगैरह बनते हैं, उस तो कोई खास राशि नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने आपको ये स्टैम्प पेपर की क्या उपयोगिता है, इसकी वैलिडिटी कितनी अवधि तक रहती है, इस बारे में संक्षिप्त सरल जानकारी दी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को कृपया अपने साथियों, मित्रों, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।